नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वैया क्राइम स्पेशल और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कुमार। अब्दुल रहमान कटकी, ये वो नाम है जिसने झारखंड की राजधानी रांची को सुर्खियों में ला खड़ा किया। आज की हमारी खास पेशकश रांची से, हम आपको दिखाएंगे कि अब्दुल रहमान कटकी किन जगहों पर रहता था, कहां वो अपना वक्त गुजारता था। ये कहानी शुरू हुई है चानों से, उसके पहले भी कहा गया है कि अभी जो रिपोर्ट हम लोगों ने एकत्रित की है कि उसके पहले से भी वो यहाँ आना जाना वो कर रहा था। उसके कुछ रिलेटिव्स भी यहाँ रहते हैं और साथ ही साथ कुछ इसके तार जुड़े हुए हैं जहाँ पर वो सोशली आकर लोगों के पास रहता था या मिलता था। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी सामाजिक उन्माद फैलाने वाले इशू पर वो निश्चित रूप से अपना इंटरेस्ट दिखाता था, और जो सिलसिला हमको लगता है कि एक बड़े रूप में, बड़े आकार में चानों के कब्रिस्तान को रिलेटेड जो विवाद शुरू हुआ, जिसके पीछे थोड़ी सी सामाजिक टेंशन भी हुआ, कम्युनल टेंशन भी हुआ, तो वो एक एंट्री थी उसके लिए। और उसके बाद से वो लोहरदगा हो, चाहे दूसरे ज़िलों में हो, चाहे रांची में हो, वो ऐसे इश्यूज़ को टेकअप करता रहा। तो निश्चित रूप से उस एंगल का भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। अब्दुल रहमान कटकी, ये वो नाम है जिसकी वजह से झारखंड से एक बार फिर आतंकी कनेक्शन सामने आया है। जी मीडिया की टीम अब्दुल रहमान कटकी के बारे में जानने के लिए निकली। हमने जानना चाहा कि कटकी आखिर झारखंड में आया कैसे, किन वजहों ने उसे झारखंड की राजधानी रांची के प्रखंड चान्हों में मौका दिया। हम अपनी टीम के साथ चान्हों के उस गांव में भी पहुंचते हैं जहां कटकी पहली बार आता है। चान्हों प्रखंड का शिलागाई गांव वो जगह है जहां एक जमीन विवाद ने कटकी के लिए इस इलाके में जमीन तैयार की। हमारी टीम रांची से निकलते हुए चान्हों के उस गांव में भी पहुंचती है और वहां के लोगों से जानने की कोशिश करती है कि ये पूरा मामला क्या है। समझने के लिए आए हैं कि विवाद था क्या, कैसे बढ़ा, क्या बढ़ा, क्यों यहीं के थ्रू झारखंड में आए, 20-25 दिन गुजारे रहे, है ना, पूरा मामला क्या है। अब्दुल रहमान कटकी, जी हाँ, ये वो नाम है जिसका इस जमीन से रिश्ता रहा है। इसी जमीन के विवाद के बाद अब्दुल रहमान कटकी शिलागाई पहुंचता है। शिलागाई वो गांव है जो अब्दुल रहमान कटकी को झारखंड में आने के लिए रास्ता देता है। हम ठीक शिलागाई के उसी जमीन पर खड़े हैं जहां से विवाद शुरू होता है और उसे मौका मिलता है। जब अब्दुल रहमान कटकी यहां आया था जी, तो क्या आप लोगों को पता था उसके बारे में? नहीं, क्या है वैसा किसी प्रकार का कोई जानकारी नहीं है, बस हम लोग सुनते थे। क्या सुनते थे? कि मतलब अपना परिचय, टाइटल कटकी बताते थे। तो क्या यहाँ के जो लोग हैं उसके प्रभाव में आते थे, उसकी बातों से प्रभावित होते थे? हाँ, जातीयता को लेकर कि चूँकि मेरा समाज का है तो अच्छा बता रहा है हमको, लेकिन हो सकता है इनको भी नहीं पता था कि यह इसका परिणाम बुरा होगा, इसका परिणाम बुरा होगा या इतना खतरनाक है। ये अब्दुल रहमान कटकी का जो मामला है, जो नाम सामने आ रहा है, उड़ीसा से गिरफ्तारी हुई है जी, क्या उसके बारे में आप कभी सुने पहले? बस यही जानते थे हम लोग कि कोई कटकी नाम का जो है, जो समाज को बढ़ावा दे रहा है, जो कि यहाँ कुछ दिन पहले मतलब सांप्रदायिक हुआ था दो गुट के बीच में, एक साल पहले, तो वो मामला सलट चुका था। तो वो मामला को फिर उकसा देने में इतना हम लोग पता था कि कटकी जी यहाँ आके जगह जगह मीटिंग वीटिंग करा के मतलब गाँव का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जी, गाँव का माहौल बिगाड़ने। तो आप लोग उस आदमी को पहचान नहीं पाए?
क्या है, क्या भड़का रहा है लोगों को, कैसे बात कर रहा है? हम लोग बस इतना ही जानते थे पहले से कि यहाँ पे कुछ मर मीटिंग हो रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं जानते थे कि इतना बड़ा यहाँ पे योजना बना के यहाँ पे मतलब झड़प हो जाएगा। हम लोग को नहीं पता था, जो कि हम लोग मुस्लिम और हिंदू का जो मिलान था उस मिलाप में अचानक से टकरार हो जाता है। लेकिन इन सबके ऊपर पुलिस की नज़र कैसे नहीं गई, यहाँ की जो खुफिया एजेंसियाँ हैं उनकी नज़र कैसे नहीं गई? बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही कह सकते हैं कि गंभीर प्रश्न है कि जब कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है और वो ऐसा भाषण देता है, उत्तेजक भाषण देता है, और उससे कहीं ना कहीं सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है, तो उस पर क्यों नहीं रोक लगी? लेकिन चान्हो से निकलकर जब कटकी जो है रांची पहुंचता है तो रांची में लोग भी उसका विरोध करते हैं और प्रशासन भी उसे रोकता है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि देखिए एक ओर से प्रशासन को तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं एक संप्रदाय की बात है, उसका धर्मगुरु भाषण दे रहा है, लेकिन जब बात प्रशासन तक भी पहुंची, चान्हो की ही बात करें तो यहाँ के BDO CO ने बाद में कटकी को रोका और उन्हें यहाँ से जाने पर मजबूर किया, चूँकि वो यहाँ पर मुझे लगता है कि काफ़ी दिनों तक रह चुके थे, 1.5 साल पहले यहाँ पर आया था कटकी, और उसके बाद यहाँ पर अपना धीरे 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 लोगों से संपर्क कर कैसे यहाँ के बच्चों को जो है उड़ीसा के मदरसे में, अपने मदरसे में पहुंचाया जाए, इसको लेकर भी वो लगातार तैयारियां कर रहा था। तो समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं उसे एक कह सकते हैं प्रशांत जी की खाली जगह मिला, एक भैक्कम मिला कि कैसे उस दिमाग में आतंक को भरा जाए, और उसके बाद अपने प्रवचन के माध्यम से लोगों को उस ओर दिग्भ्रमित किया और उनके परिजन को कन्विंस कर यहां से उस बच्चे को मदरसा ले जाकर कह सकते हैं कि वहां पर भी अब कैसी तालीम दे रहा है ये तो जाँच का विषय है, लेकिन यदि अब्दुल रहमान कटकी खुद आतंकी था तो वो कैसी तालीम देगा ये तो सोचने वाली ही बात है। चलिए गाय गांव के पास खड़े हैं और इसके बाद हम और भी उन जगहों पे जाएंगे जहां पे अब्दुल रहमान कटकी झारखंड में अपने वक्त गुजार चुका है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कटकी यहां के माहौल को बिगाड़ना क्यों चाहता था, उसका मकसद क्या था। और अभी हम पहुंचे हैं दारुल उलूम मोहम्मदिया शिलागाई और हमारे साथ हैं मोहम्मद नौशाद जी बातचीत करने के लिए। आइए उनसे बातचीत करते हैं। नौशाद जी आप पहले अपने बारे में बता दें। मेरा नाम मोहम्मद नौशाद है, मैं रहने वाला गुड्डा का हूं और यहां बच्चों के पढ़ाता हूं। जी कितने टाइम से आप यहां पे हैं? यही कुछ ईद के बाद से। कितना वक्त हुआ? 4-5 महीने। 4-5 महीने जी। नौशाद जी आपको एक खबर मिली होगी कि उड़ीसा से एक अब्दुल रहमान कटकी गिरफ्तार हुआ है। नहीं, जानकारी सर नहीं हुई उसके बाद। कोई जानकारी नहीं है? नहीं सर। अच्छा ये भी खबर है कि अब्दुल रहमान, यहाँ पे कोई कटकी नाम के आदमी आते थे पहले? नहीं सर, मेरे सामने तो नहीं आया। नहीं नहीं, आप तो अभी 4-5 महीने हुए हैं, आपके पहले इस गाँव में वो आते रहे हैं। नहीं उसके बारे में नहीं कह सकता मैं, उससे पहले तो मैं यहाँ आया नहीं, तो पहली बार तो इधर आया हूँ। पहली बार यहाँ पे? जी हाँ। उसके बारे में कोई ताल्लुक आज मैं जानता भी नहीं हूँ, कहाँ कहाँ के रहने वाले, कहाँ गए। और कितने बच्चे रहे यहाँ पे अभी तक जो पढ़ के यहाँ से निकले हों तालीम हासिल कर? उससे नहीं कह सकता मैं। आप नहीं कह सकते? मैं अभी 30 साल आया हूँ, 4-5 महीने इसके बारे में जानता हूँ। उससे आगे पहले आप कहाँ थे? इससे पहले मैं दिल्ली के अंदर रहता था। दिल्ली में कहाँ? गाज़ियाबाद ज़िला। कहाँ? ज़िला गाज़ियाबाद, दिल्ली। गाज़ियाबाद तो यूपी में आ गया? हाँ यूपी के अंदर। हाँ हाँ। तो मुजफ्फर मुरादनगर। मुरादनगर है? मुरादनगर एक गांव पड़ता है उसी में, कस्बा। तो वहीं आप पढ़ाते थे? तो ये आप लोगों का ट्रांसफर हुआ यहाँ पे भी? नहीं वो तो बस मुलाकात हुई और यहाँ आ गया मैं। किन से मुलाकात हुई आपकी? कारी मुस्लिम साहब से। तो वो आपको कहाँ मिले? मुरादनगर में। ये वहाँ गए हुए थे? हाँ किसी काम से गए होंगे तो मुलाकात हो गई, तो फिर वो उनसे बातचीत हो गई, यहाँ आए हमारे तालीम तरह हम आ गए यहाँ से। अच्छा आपके पहले यहाँ कौन पढ़ाते थे? उससे पहले नहीं अंदर है। नहीं आपको पता होगा ना कि आपके पहले यहाँ कौन पढ़ाते थे? उससे पहले हमारे यहाँ कोई नहीं पढ़ाते थे। जानना आपके 8-9 साल से मदरसा चल रहा है, आपका 4-5 महीने हुआ आए हुए, तो उससे पहले कौन पढ़ाते थे थोड़ी मालूम। जैसे जिस काम से मैं आया हूँ काम मैं निभा रहा हूँ कि भाई तुम पढ़ाना पढ़ा रहे हैं, उससे इतनी बातचीत नहीं होती, यहाँ रहते भी नहीं हूँ। जो मुझे पता वो बता रहा हूँ मैं कि ईद के बाद से मैं आया हूँ।
उससे पहले मुझे थोड़ा सा जानकारी नहीं कौन पढ़ाते थे कि कौन थे क्या थे, नहीं तो नहीं कर सकता मैं। जो कुछ आपको समझ जो पता था बता चुका हूँ। ये थे हमारे साथ नौशाद जी, जिनसे बातचीत की हमने और जानना चाहा। वो खुद अभी यहाँ पे नए हैं, जैसा कि वो बता रहे हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है कि अब्दुल रहमान कटकी यहाँ कब आया था या नहीं आया था, और उनके बारे में जैसा कि इनका कहना है, उनका नाम भी ये पहली बार सुन रहे हैं। मौसम सर्द था, धूप नहीं थी, और हमारी अगली मंजिल थी चटवल गांव। हमारी टीम को जानकारी मिली थी कि चटवल गांव में कटकी आया करता था और फिर वहां लोगों के बीच तकरीरें दिया करता था। हमने सोचा कि उस गांव तक जाकर देखते हैं, वहां के लोगों से बात करते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। जानो के शिलागाई गांव के बाद अब हम जा रहे हैं चटवल। जी हाँ, चटवल वो गांव है जहां पर अब्दुल रहमान कटकी भाषण दिया करता था। ये गांव आप रास्तों को देख सकते हैं कि रास्ता कैसा है, गांव का माहौल भी आपको दिखा रहे हैं जिन रास्तों से हम गुजर रहे हैं। और ये चटवल गांव वही है जहां अब्दुल रहमान कटकी ठहरता था और अपने उत्तेजित भाषण से लोगों को भड़काने का काम करता था। इस गांव में जाकर हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब्दुल रहमान कटकी के बारे में लोगों का क्या कहना है, और आपको दिखाएंगे कि क्या बातें निकल कर सामने आती हैं, कोई बोलने को तैयार होता है या नहीं होता। और अब हम पहुंच चुके हैं चटवल गांव। चटवल गांव का ये मस्जिद जो आप देख रहे हैं, ये वही मस्जिद है जहां पर अब्दुल रहमान कटकी आया करता था और लोगों को धार्मिक संदेश दिया करता था। अभी हम पहुंचे हैं चान्हो प्रखंड के चटवाल गांव में और जानेंगे कि अब्दुल रहमान कटकी, जिसे पुलिस ने उड़ीसा से गिरफ्तार किया है, उसके ऊपर जो आरोप लगाया गया है कि वो लोगों को उत्तेजित भाषण देकर भड़काते थे, इस बारे में क्या यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कहना है, हम उन्हीं की लोगों की जुबानी जानने की कोशिश करेंगे। खबर आई है अब्दुल रहमान कटकी इस गांव में आते थे और यहाँ उपदेश देते थे, इस बारे में क्या कहेंगे आप? इस इलाके में तमाम जगहों में उनका आना हुआ और हर जगह उनको लोग बुलाया करते थे, क्योंकि हम लोग जो हैं मज़हब के नाम पर प्रोग्राम किया करते हैं हर साल में हो, छः महीना में हो, जैसे मस्जिद के नाम पर जलसा हुआ, मदरसे के नाम पर जलसा हुआ, इस तरह से और भी दिगर उलमाए कराम को हम लोग बुलाते रहे हैं, उसी तरह इनको भी बुलाते थे। और आज तक सबके सामने और सबका मालिक है, मालिक भी देख रहा है, कभी भी किसी तरह का कोई भड़काव भाषण उन्होंने नहीं किया है। जब भी किए हैं वो बात कुरान और हदीस की रोशनी में बात किए हैं। अगर इससे हट के बात करते हैं तो इंडिया के लोग क्या हम लोग खुद उनका एतराज़ कर देते। तो कभी भी आज तक उनका एक बार नहीं, कई बार इस इलाके में आए, चटवल में ही सिर्फ आए सो बात नहीं है, रांची में, लोहरदगा में, इस तरह से गुमला में, तरह तरह जगहों में, कई जगहों में आए वो। और कभी भी जब भी वो उनका बयान हुआ है, तकरीर हुआ है, भाषण हुआ है, तो कुरान और हदीस की रोशनी में हुआ है। तो उनके बारे में कैसे पता चला था, कैसे बुलाया था उनको, उनसे संपर्क कैसे हुआ? अच्छा, उनसे संपर्क हम लोगों को तो नहीं हुआ, ये तो नहीं कह सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए मौलाना ताहिर साहब को भी हम लोग बुलाते हैं, मौलाना हिफ्ज़ुर्रहमान साहब मराठी को भी हम लोग बारह बुलाते रहे, मौलाना अब्दुल मालिक साहब बलियावी हैं उनको भी हम लोग बुलाते रहे, इसी तरह मौलाना अब्दुर्रहमान साहब कटकी हैं इनको भी हम लोग मतलब हर इलाके में बुलाएँ, सिर्फ यहीं भर बुलाएँ सब बात, बिल्कुल फेमस आदमी है, क्योंकि हम लोगों की जानकारी में नहीं है कि वो गलत रास्ते में चलते हैं। हम लोग तो यही जान रहे हैं कि बिल्कुल एकदम सीधे रास्ते में है, और अभी तक कोई सबूत भी नहीं मिल पाया है। कितने बार मिले हैं उनसे? दो चार बार तो जरूर मिले हैं। कैसा लगा मिलकर? मिलकर के तो हम लोगों को ऐसा लगता था कि बार बार हम उनसे मिले,
क्या बातचीत होती थी आप दोनों? बातचीत यही होती थी दीन के मामले में, हम लोगों के कुरान हदीस के मामले में, कि भाई आप क्या कर रहे हो, बल्कि हम दुकानदारी के लाइन में हैं, वो कहा करते थे कि भाई मस्जिद से जुड़ो, मदरसा से जुड़ो और दुकानदारी को छोड़ो, दुकान तो पैंट शर्ट वाले करवे करते हैं, आप मौलवी हो, आप हाफिज़ हो, आप दुकानदारी में मत रहो, हाँ किसी मस्जिद से जुड़ जाओ, मदरसा से जुड़ जाओ, यही वो कहा करते थे। कैसे आप लोगों से उठना बैठना होता था? देखिए वो खुद से कभी भी नहीं आए। हाँ, जैसे हम लोग जलसा करते हैं मस्जिद के नाम पर, जैसे मान के चलिए मस्जिद कहीं की ढलाई हो रही हो, तो भाई लोगों को इकट्ठा करने के लिए तो मजमा चाहिए, तो उसमें हम लोग आलिम जो भी होते हैं, बड़े आलिम, उनको हम लोग दावत देते हैं, बुलाते हैं। तो हम लोग जब भी इस इलाके के लोग जहाँ जहाँ भी जलसा किए, मतलब कि इज्तिमा किए या जो भी किए, तो उनको बुलाए हैं, इसलिए बुलाते हैं कि भाई मस्जिद का फ़ायदा हो जाए, मदरसा का फ़ायदा हो जाए, मुआशरा गंदा हो रहा है, लोग इधर उधर भटक रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, तो उनको सुधारने के लिए हम लोग उनको बुलाते थे। कौन कौन लोग होते थे आप लोग? ये तो यहाँ से तो हम लोग बाजाबते उनको कभी नहीं बुलाया, या बड़ा जलसा तो यहाँ नहीं किए कभी हम लोग। हाँ अच्छा, आते कैसे थे यहाँ गांव तक? गांव तक जैसे तो हम लोग अपनी गाड़ी से आए हैं। जी जी, वो कैसे आते थे? वो तो जैसे मान के चलिए रांची आ जाते थे, रांची से जहाँ के लोग जलसा करते थे वो लोग रांची से जा करके उनको लाते थे। अच्छा, और फिर छोड़ देते? हाँ, फिर रांची तक छोड़ देते थे। खाना पीना? खाना पीना तो जो लोग लाते थे वो लोग खिलाना, वो तो फर्ज है भाई, हम उनको बगैर खाने खाए हुए जाने भी नहीं देंगे। यहाँ कितना दिन रुके हैं अधिक से अधिक? कभी वैसा रुके नहीं है कभी, जैसे प्रोग्राम हुआ और अपना चले गए, यहाँ तो रुकते नहीं थे, यहाँ रुकते नहीं थे। वो उड़ीसा के रहने वाले हैं। उनका निकाह वगैरह कहाँ? उड़ीसा में है? कहाँ हुआ? यहाँ भी बात आ रहा है कि निकाह हुआ उड़ीसा, कहना ऐसा कि यहाँ भी उनकी? ये तो मेरे जानकारी में तो नहीं है ऐसे, उनकी शादी तो हो चुकी है बुखारा में, बुखारा के रहने वाले लोग हैं, उधर यूपी में रहते हैं या कहाँ रहते हैं, वहीं उनकी शादी हुई है, ये तो है मालूम हमको। कि मदरसे में यहाँ से बच्चे जाते हैं गांव से पढ़? ये यहाँ से तो नहीं है, एक भी नहीं है यहाँ से, नहीं नहीं अभी कोई रास्ते में कोई बता रहे थे कि ऐसे चान्हो प्रखंड है, चान्हो प्रखंड है, चान्हो के तराब के कुछ लोग होंगे और हैं भी, लेकिन हमें ये जानकारी नहीं है कि कौन कौन से बच्चे हैं, लेकिन हैं चान्हो के, वहाँ से बच्चे गए हैं, वहाँ से बच्चे गए हैं। हमेशा मौलाना यही किए हैं कि भाई देखो अपना आरक्षण हो, अपना हक हो, यहाँ पैदा लिए हो अपना हक लो, है ना। तो ये हम सबों का कहना है, सिर्फ उनका मौलाना का कहना है, सब बात नहीं है। तो वो हमारे रहबर बन कर उठे हैं, हमारे बड़े मौलाना वो बने हैं, आज उनको दबा दिया गया है, फिर हम लोग जहाँ के तहाँ रह जाएंगे। हक की बात करते थे? हक की बात करते थे। अंतिम बार आए थे 20 से 25 दिन पहले, जो कि जनाजा के नमाज पढ़ाने के लिए, लोग उसका ऊपर में आरोप डाल के फिर आगे बढ़ाने लगे मामला को, तभी से बढ़ाने लगे कि ऐसा है वैसा है। कौन लगाया? अब कौन लगाया, लोग बता रहे थे कि ऐसा है वैसा है, कह के कटकी को पकड़ा जाए, वो किया जाए, लेकिन वैसा कोई मतलब नहीं था। ना आरोप यहाँ के नहीं लगाए सर। नहीं तो आप जो बता रहे हैं कि जो आरोप लगाया कि कटकी को पकड़ा जाए, ये आरोप कब आया? तो आप 20-25 दिन पहले की बात बोल रहे हैं। यहाँ जनाजा की नमाज पढ़ाने के लिए आए थे, तो लोग बोला कि बयान करने के लिए आए, वो ऐसा भड़काने के लिए, विवाद खड़ा करने के लिए आए थे, लेकिन वो सब कोई बात नहीं है। तो ये कौन लोग ये बोले, ये जो बात आप बता रहे हैं, ये कौन लोग बोले ये चीज़? नहीं सुन रहे थे हल्का फुल्का, लोग ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं चौक चौराहा में। गांव के लोग? नहीं गांव के लोग नहीं, चौक में सुने थे। ये चान्हो चौक? चान्हो चौक में, वहाँ पे इस तरह की चर्चा थी। हाँ, लेकिन पुलिस वगैरह तो कभी नहीं आए गाँव में? नहीं कभी नहीं आए, चर्चा के बावजूद नहीं आए? नहीं आए। मैं पुलिस को कोई जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं, कुछ पता नहीं है उनको। और जो लोग कर रहे थे ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? आप जो सड़क के किनारे हरे रंग का मकान देख रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि कटकी जब यहाँ के गांव में आता था, लोगों को भाषण देता था, तो उसके बाद इसी घर में वो ठहरा करता था और फिर यहीं से वो वापस रांची चला जाया करता था। जो घर देख रहे हैं आप सड़क के किनारे जो घर है, इसी घर में कटकी अपना वक्त गुजारता था, ठहरता था, आराम करता था और उसके बाद यहाँ से चला जाता था, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। उड़ीसा से गिरफ्तार अब्दुल रहमान कटकी लोहरदग्गा और चान्हो के इलाके में सभाएं और प्रवचन करने के बाद राजधानी रांची के शहर में भी प्रवचन करना चाहता था। हिंदपीढ़ी का यह वही इलाका है जहां पर कटकी प्रवचन करना चाहता था। आप देख सकते हैं यह हिंदपीढ़ी का बंसी चौक कहलाता है, छोटी मस्जिद के नज़दीक का यह इलाका है। इसी इलाके में
कटकी प्रवचन करना चाहता था, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों ने उसका विरोध किया था और उसके बाद यहाँ से कटकी को जाना पड़ा था, क्योंकि स्थानीय जो लोग हैं वो शायद समझ चुके थे कि जो कटकी है उसके प्रवचन काफ़ी भड़काऊ होते हैं। आइडेंटिटी के पीछे और क्या छुपा हुआ है ये जानना तो संभव नहीं है, लेकिन उसकी गतिविधि सस्पिशियस थी इसलिए उसको ट्रैकिंग हमारे शुरू कर चुके थे। लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली AQIS का की उत्पत्ति के साथ ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि AQIS की उत्पत्ति भी नहीं है अगर देखा जाए तो, क्या उससे जुड़ा हुआ है मामला और क्या ये AQIS को स्थापित करने में देश में भारत देश में AQIS को स्थापित करने की दिशा में ये एक मूल संस्थापक की भूमिका निभा रहा है, यह भी एक जांच का विषय है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सबर करना होगा, लेकिन पिक्चर बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। झारखंड से आतंकी कनेक्शन लगातार सामने आते रहे हैं, इस बार कटकी का नाम सामने आया है। सवाल ये है कि झारखंड में ऐसे कितने स्लीपर सेल हैं जो काम कर रहे हैं, और अगर वो काम कर रहे हैं तो फिर झारखंड पुलिस की नज़र उन पर क्यों नहीं जाती। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।